ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हो जाऊँगा तो फिर ब्लॉगिंग मेरा गैप हो जाएगा। मुझे पता है फेस आप लोग के लिए न्यू है, इसके लिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बट ऑलराइट। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय ऋषिमिशा, वेलकम बैक एंड बिगिन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो डूड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो डूड, अभी आपको सीन बता दे रहा हूँ, आज का डे ना बहुत ज़्यादा लेजी है, बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहा हूँ, क्योंकि डूड आज मैं वापस से कॉलेज नहीं गया था, एंड अभी आफ्टरनून का टाइम है, बजे 12:30, एंड मैं सो के भी आज बहुत ज़्यादा लेट उठा, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा लेजी फील कर रहा हूँ। एंड गाइस, आज मैं थोड़ा भी वेल फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा, मतलब इसके लिए मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड थोड़ा थोड़ा फीवर भी हो गया था रात को, सो इसकी वजह से मैं आज कॉलेज नहीं गया था और मैं बंक कर दिया। अर्ली मॉर्निंग में सोचा एक बार उठूँ, बट जब मैं सो करके उठा तो मेरा इतना मतलब पूरा मतलब अंदर से जाम था कि मतलब हिलने का, बोलने का, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ तक मुझे सांस लेने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था ना, कोल्ड से पूरा गला जाम होकर रखा था। एक ठंडी का टाइम है ना अभी, सो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, एंड इसके लिए डूड आज मैं कॉलेज को बंक मार दिया, एंड इस वीक का मेरा सेकेंड बंक हो गया। अभी टीचर भी कुछ ना कुछ तो पक्का बोलेगी जब भी मैं कॉलेज जाऊँगा, क्योंकि डूड मेरी ना बहुत ज़्यादा छुट्टी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी। एंड आप लोग को तो पता ही रहेगा कि मतलब कॉलेजेस में 75% प्रेजेंटी होना कंपलसरी है, सो एंड मेरा 75% तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा हर हफ्ते में मतलब 2 से 3 छुट्टी हो ही जाता है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ना मंडे को मैं कॉलेज जब भी गया था ना, टीचर मेरे को भी ऋषि तेरा एबसेंटी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा एबसेंट क्यों रहता है, ऐसा एबसेंट में रहकर मेरे को ना तेरे पेरेंट्स से बात करनी थी कि तू इतना एबसेंट क्यों रहता है, मैं भूल जाती हूँ। सो मैंने बोला टीचर कि मैं ऐसा वेल नहीं रहता, इसके लिए मैं नहीं आ रहा था, मैं तो छूट थोड़ा सा बोल दिया भाई। एक्चुअली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आलस लगता है उठने में, तो मेरे को लेट हो जाता तो मैं नहीं जाता हूँ, एंड थोड़ा मतलब 15-20 दिन से ना पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब 15-20 दिन से कंटिन्यू मतलब कोल्ड है, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट आज के दिन बहुत ज़्यादा है, आप मैं ज़्यादा तेज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो टीचर ने ना मेरे को मंडे को ही बोला था इतना ज़्यादा एबसेंट मत रहा कर, एंड मैं मंडे को गया था, एंड आज ट्यूजडे, आज अगेन छुट्टी ले लिया हूँ, सो आई डोंट नो टीचर क्या बोलेगी मुझे, बट जो भी है सही बोलेगी। अगर मैं आज शाम को दवा लूँगा वापस से, तो मेरे पास मेडिकल का वो रिसिप्ट देते हो, मेरे पास रहेगा तो टीचर को दिखा सकता हूँ। सो गाइस, अभी आफ्टरनून चलते हैं, मैं उठा हूँ भाई, कुछ भी नहीं खाया हूँ, मैं सिर्फ चाय पिया हूँ, 2 बार उठी, एंड आज मैं 11:30 बजे के आसपास उठ गया था, एंड उठने के जैसे तुरंत बाद क्या है, थोड़ा सा गला थोड़ा सा ज़्यादा जाम रहता है ना, इसकी वजह से मैं तुरंत ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 2 बार टी ऑलरेडी ले चुका हूँ। सो चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर का सीन क्या है। सो गाइस, आज अर्नो का भी हाफ डे था, तो 12:15 बजे तक ही आ गया था, तो मैं उसको जा करके ले करके आया था, एंड अभी देखो आने के बाद वो क्या कर रहा है। आते ही सबसे पहले टीवी देख रहा है, और इतने पास से देख रहा है, उधर बैठ के देखो, वही देखो कार्टून दिन भर यही देखा, अभी आया सबसे पहले टीवी देखना चालू कर दिया, और अगर आप उधर जाके देखोगे तो मार खाओगे आप, इतना पास से टीवी देखते हैं, क्या हुआ भाई, इतना पास से टीवी देखता है ना तो मतलब चश्मा लग जाएगा ना भाई, यार इसके लिए इसको इतना चिल्लाता रहता हूँ मैं, देख रहा सब फैन विन बंद कर दिया हूँ मैं एकदम, देख रहा यार मैं थोड़ा फैन विन सब बंद करके बैठा हूँ, मैं गाइस सब कुछ बंद करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी लग रही है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हो जाऊँगा तो फिर ब्लॉगिंग मेरा गैप हो जाएगा, एंड मैं आप लोग को डेली ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग्स देना चाहता हूँ, मैं एक भी दिन गैप नहीं करना चाहता हूँ। सो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोग को डेली ब्लॉग दूँ, एक नया ब्लॉग, एक अच्छा ब्लॉग आप लोग को दूँ, एंड गाइज आप लोग भी थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, जिन भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी बजा देना ताकि मेरी वीडियो के हर लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिल जाए, प्लीज़ भाई कीप सपोर्टिंग, मुझे पता है फेस आप लोग के लिए न्यू है, इसके लिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल मैं धीरे धीरे आप लोग सब मुझे जान जाओगे, क्योंकि डूड स्टार्टिंग से सब लोग ऐसे ही करते हैं, एंड मुझे पता है ब्लॉग में भी बहुत सारी गलतियाँ भी होती रहेगी, कंटेंट थोड़ा ब्लरी रहता रहेगा, बहुत ज़्यादा एचडी में नहीं रहता रहेगा, साउंड प्रॉब्लम भी होती रहेगी मतलब, बट स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत होता है, एंड आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एंड थोड़े टाइम बाद जितना जैसे भी आप लोग का प्यार सॉरी मिलता जाएगा, चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी, और एक टाइम पर हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल करेंगे। सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अभी गाइस मुझे लगी है भूख, चलते देखते किचन में क्या है, कुछ खाते हैं। मुझे लग रहा है मम्मी को बोला था कि चाय ज़्यादा बना के रखना मेरे लिए, सो अगर चाय बना के रखेंगे चाय और बिस्किट है, क्योंकि मुझे कुछ भी और खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। सो चलते देखते अगर किचन में चाय रहेगी, सो चाय के साथ बिस्किट खाएंगे, अदरवाइज़ फिर कुछ और देखेंगे खाने के लिए। सो किचन में फुल खाना था, बट मैं चाय गर्म कर रहा हूँ, चाय पीऊँगा वापस से।
सो मैंने चाय रख दिया गर्म होने के लिए। मैं चाय वापस से इसके लिए पी रहा हूँ क्योंकि मुझे चाय के साथ गर्म गर्म रहती है थोड़ा अच्छा लगता है पीने के लिए। एंड खाना वगैरह खाऊंगा तो तीखा रहेगा, फिर थोड़ा गर्म अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होगी। तो अभी हमने ले लिया है अपना चाय एंड बिस्किट। देखो पार्ले बिस्किट मैं खाता हूँ एंड बाकी कुछ मैं खाता नहीं हूँ। मैं मतलब क्रीम में बॉर्न एंड ओरियो पसंद है एंड चाय के साथ मैं ज़्यादा करके पार्ले बिस्किट ही खाना पसंद करता हूँ। एंड ये है मेरी गर्म गर्म चाय, सो इसको खाते हैं। भाई सुबह से तीसरी या फिर चौथी बार चाय पी रहा हूँ। एंड गाइस अभी अर्नव गुस्सा हो गया, अर्नव की पिटाई हो गई है। ओम इधर देखो। एक्चुअली गाइस ना टीवी ना बहुत ज़्यादा पास से देखता है, एकदम पास में खड़े होकर देखता है। मैं बहुत मना किया बट अभी नहीं देखा, वापस से गया था देखने तो मैं गुस्से में आया हूँ, मारा दिया। गुस्सा हो गए बाबू भैया, गुस्सा हो गए हो। एक्चुअली गाइस ना टीवी बहुत पास से देखता है, बहुत पास से। अभी मतलब 58 इंच की शायद से टीवी है बड़ी वाली, 4K में चलती है वो भी। अभी इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना मतलब एक कदम दूर से रखो देखोगे तो एकदम चिपक के देखोगे तो आँख पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना। वैसे भी ये दिन भर मोबाइल, दिन भर टीवी देखता रहता है, इतना ज़्यादा देखता है, ऊपर से इतनी पास से अगर देखेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना आँख में। कभी कभी इसकी आँखें ना लाल हो जाती है एकदम, इतना ज़्यादा देख लेता है टीवी। बट फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, देखने देता है। एक बच्चा है ना तो करेगा तो क्या क्या करेगा, ऐसा बोला था। मतलब बच्चा है ना तो क्या करेगा बेचारा अकेले, इसके लिए टीवी भी देखने देते हैं हम लोग। बट थोड़ा सा सेफ्टी के साथ देखना चाहिए ना, तो उसको कितनी भी मना करो ना, अभी इधर खड़ा है ना, बाद में जाके उधर खड़ा होकर टीवी देखेगा, एकदम पास में से एकदम चिपक के खड़े होकर टीवी देखने लगेगा। सो मतलब उसकी हैबिट है पास से देखने की। सो वही मैं चिल्ला रहा था, बहुत बार चिल्लाया था। सो उसने सुना नहीं। सो मैं जैसे किचन में गया था वापस उधर आके देखा तो मैंने चाय रखा और सीधा मार दिया। सो गुस्सा लग गई थी तो उसको मैं सॉरी बोल दिया। अभी फिलहाल गुस्सा हो गया, उसकी पिटाई हो गई है। एंड अभी हम लोग फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, मुझे भूख बहुत कसके लगी है। अभी भाई मैं सारे लाइट और फैन बंद करके बैठा हूँ ना, मतलब लाइट तो चालू फैन बंद करके बैठा हूँ, तो अर्णव मेरे को बोल रहा है कि सारे फैन बंद करके क्यों बैठे हो, अगर आपको सर्दी लग रही है तो जाके रूम में बैठो अपने। देखो कितना बड़ा हो गया है, कितना ज़्यादा बोलना चालू कर दिया है। क्या कर रहे हैं, मेरा जूठा खा रहा है, मेरे को सर्दी हुई है। मेरा बिस्किट देखो, फिर से देखो गया उधर, देखते फिर से गया दूर से देखो बच्चा, मेरे को सर्दी हुई है और मेरा जूठा खा रहा है। आपको भी सर्दी चाहिए क्या गिफ्ट में, खा ले लो थोड़ा सा, मेरा ले लो, कम हो जाएगा मेरा सर्दी थोड़ा सा। क्यों क्या करोगे सर्दी लेके, स्कूल की छुट्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बोला स्कूल की छुट्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सर्दी हो जाएगा घर में बैठना पड़ेगा शाणे। जब से आया तो से टीवी देख रहा हूँ, कब से, अभी डेढ़ घंटे वाला है, डेढ़ घंटे कंटिन्यू देख रहा हूँ। सो गाइस मेरा खा क्या हो गया, मैं थोड़ा सा छोड़ दिया अनो के लिए, वो भी खा रहा था। सो गाइस मेरी मम्मी बोल रही है कि तेरा रूटीन मतलब तेरा दिनचर्या बहुत ही गंदा है, मैं बोला क्यों, तो बोली तो चाय अभी पिया, बिस्किट खाया एंड अभी तो पानी पीना है। सो देखो भाई गर्म पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, गर्म पानी इसका मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आता, कितना पी लो प्यास खत्म ही नहीं होती और पीने का मन भी नहीं करता। मतलब ठंडा पानी रहता तो मैं एक बार में एक बॉटल पी सकता हूँ, गर्म पानी ना एक गिलास में पूरा नहीं पी सकता। बट अभी मुझे प्यास लगी, मीठा खाया ना थोड़ा सा, थोड़ा सा पी लेता हूँ। सो गाइस अभी ना एक छोटी सी मतलब प्रॉब्लम हो गई है, एंड प्रॉब्लम यह हो गई ना गाइस, आज मैं कॉलेज गया नहीं था एंड टीचर ने भी ना कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। एक्चुअली कैसे मेरे फ्रेंड लोग कॉलेज से छूटे जब भी, तो घर पे गया मेरा एक फ्रेंड, तो उसके बाद उसने मुझे कॉल किया। सो डूट प्रॉब्लम यह हो गई है ना कि मतलब टीचर ने बिना इन्फॉर्म किए आज रिपोर्ट कार्ड दे दिए सबको जो जो आज प्रेजेंट थे। एंड क्लास में सिर्फ दो लोग एबसेंट थे, एक मैं था और एक और लड़का था, दो ही लोग एबसेंट थे होल पूरे क्लास में, दो लोग एबसेंट थे। एंड हमारा यूनिट एग्जाम हुआ था, सो टीचर ने उसका रिपोर्ट कार्ड सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि मतलब घर पे लेके जाओ, पेरेंट्स को दिखाओ एंड सिग्नेचर कर करके ले करके आओ। सो गाइस ये तो गलत बात है यार, पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना टीचर को कि हाँ मैं आपको रिपोर्ट कार्ड में देने वाली हूँ कल, तो सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। अभी गाइस मैं जानबूझ के तो एबसेंट था नहीं यार, मेरी तो तबीयत ख़राब थी इसके लिए मैं एबसेंट हूँ। एंड टीचर का भी थोड़ा सा तो फॉल्ट है ना इस जगह पे, टीचर को भी एक बार तो कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हाँ मैं रिपोर्ट कार्ड देने वाली हूँ। सो अभी मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो टीचर ने ना मतलब
जैसा कि अनाउंसमेंट किया, सो मेरा होल क्लास में थर्ड रैंक होल्डर हूँ मैं। फ्यू परसेंटेज से मैं सेकेंड आंसर रहेगा एंड फर्स्ट 84 के आसपास है एंड मैं थर्ड हूँ। एंड ये बात मुझे मेरे फ्रेंड बताया कि टीचर ने बोला कि ऋषि मिश्रा इज़ अ थर्ड रैंक होल्डर इन होल क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। अगर मैं आज वहाँ पे प्रेजेंट होता तो अलग ही फील रहता, मतलब मैं भी स्टेज पे जाता, मैं भी अपना वो लेता, फिर टीचर मुझे शाबाशी देती एंड पूरी क्लास के सामने एक बार वापस से खड़ा होता, सब लोग मुझे जानते पहचानते, मतलब इतने सारे अराउंड 200 बच्चे हैं तो सब लोग मेरे को देखते। सो एक बार और ये प्राउड मोमेंट मैंने मिस कर दिया। सो आई डोंट नो कि अभी मुझे वापस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो अभी मैं टीचर को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि टीचर मैं इस रीज़न को इससे नहीं आ पाया, उनको बताता हूँ एंड ये भी पूछता हूँ कि अगर अब मेरे को रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो गाइस मैं टीचर से भी बात करके हो गया है एंड टीचर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, पहली बात है तो एबसेंट था, तेरी फॉल्ट थी। तो मैंने उनको बोला कि टीचर आपको एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए, अगर आप एक बार इन्फॉर्म कर दे तो मैं एक बार कोशिश करता आने की ना, क्योंकि मैं सो करके तो उठ ही गया था एंड अभी मतलब उठने के बाद कैसा है, एक डेढ़ घंटे बाद अभी थोड़ा थोड़ा वेल लग रहा है, तो मैं जाके उधर तो बैठ तो सकता ही था शांति से। सो टीचर बोले कि ठीक है अभी मतलब जिनको नहीं मिला है रिपोर्ट कार्ड उनके मतलब उनके पेरेंट्स को खुद जाके कॉलेज में साइन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना कंपलसरी है एंड जिसके पेरेंट्स नहीं आए थे उन्हें स्कूल में जाके साइन करना पड़ा। मैंने इनको एक्सक्यूज़ दे दिया कि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। टीचर बोले कि मतलब कंपलसरी है, ऊपर अथॉरिटी उसको भेजनी है, तो मेरे को फटफट साइन चाहिए, तो कल सब लोग मतलब अपने पेरेंट्स को लेके आना। मैं भी सोचा कि मैंने क्यों कॉल कर दिया भाई, तो मैंने उनको थोड़ा समझा दिया। फिर टीचर बोले कि चल ठीक है एक दिन कल तू आ जा एंड लेकर के चले जाना, परसों साइन करा के लेके आ जाना। सो मुझे कल तो मिल जाएगा, बट उसके लिए तेरा सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल का वो चाहिए कि हाँ तू बीमार था इसकी वजह से नहीं आ पाया। सो शॉर्ट आउट हो गया। सो रिसिप्ट तो मैं ले लूँगा जाके इधर मेडिकल से बनाऊँगा डॉक्टर के पास शाम को, मैं उसे दवा लेने जाने वाला ही हूँ। सवाई अभी बच्चों का 4:15 एंड अभी कल ही पता चलेगा कि मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि नहीं। सो देखते हैं कि कल क्या होता है। मुझे तो लग रहा है टीचर को इसे दे देना चाहिए गाइस, क्योंकि मैं घूमने टहलने या फिर अपने मौज मस्ती के लिए तो छुट्टी नहीं लिया था, मैं किसी रीज़न से छुट्टी लिया था। सो देखते हैं कि मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड कल मिलेगा कि नहीं एंड अभी चलते, मुझे बहुत कस के लगी है भूख। सो अभी मतलब मैं रात को खाना करीब कल 8:30 बजे ही खाना खा लिया था, जल्दी खा लिया था, क्लासेस से आया मैं तुरंत खाना खाया एंड दवा खा के सो गया। फिर मैं उठा सीधा रात को करीब 12:30 बजे वापस से एक बार दवा खाया एंड दवा पिया एंड वापस सो गया। फिर मैं सीधा उठा मॉर्निंग में एंड मैं तब से कंटिन्यू चाय पी रहा हूँ। सो अभी चलते खाते हैं एंड गाइस 5 बजे से क्लासेस है। सो आज अभी मैं सोच रहा हूँ क्लास चले जाऊँ, क्योंकि डूड सब्सिडरी अकाउंट का मतलब रिवीजन चालू है, मतलब सर ने पढ़ाया उसका रिवीजन चालू है, सो मिस नहीं करना चाहता। घर पे भी बैठा ही रहूँगा, उधर भी जाके बैठना ही है, बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा घर पे बैठे बैठे, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। सो आज देखो ये 12:30 बजे के आसपास आ गया था एंड तब से कंटिन्यू बंदा टीवी देख रहा है कंटिन्यू। अभी देख रहा टाइम कितना बज गया है, 4:30 बज गया है, 4:45 बजने वाला है एंड वही कार्टून वही टीवी कंटिन्यू देख रहा है लड़का। सो भाई मैं वहाँ पर 20 मिनट है, फिर चलते हैं फटाफट। मैं नहाया भी नहीं हूँ आज, मैं लग रहा कि नहाया नहीं हूँ। सो चलता हूँ अच्छे से हाथ में धुलता हूँ एंड गरम गरम चाय रोटी या फिर परोठा जो भी मैं बनाई हूँ खाते हैं, फिर चलते क्लास एंड मैं अच्छे से मुँह धुल लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना देखे कि मैं नहाया नहीं हूँ। चलते फटाफट, कैसा बताऊँ मैं, कैसा लग रहा हूँ, मेरे को देख के नहीं बता सकते मैं नहाया नहीं भाई, मैं इतना क्यूट जो हूँ। चलते चाय रोटी खाओगे परीठा के साथ गरम गरम में दोनों, बिस्किट तो बराबर खा रहे थे, ये नहीं खवाएगा। सो गाइस अभी हम रेडी है क्लासेस जाने के लिए एंड अभी मैं नहीं लग रहा हूँ ना कि मैं नहाया नहीं हूँ ऐसा। देखो आउटफिट देखो, टी शर्ट थोड़ी सी पुरानी है बट अच्छी लगती है मेरे को। आप लोग कैसी लग रही है, 3-4 महीने पुरानी शर्ट हो चुकी है एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना एंड अभी चलते क्लास में। लग रहा हूँ कि नहाया हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहाया जा रहा हूँ क्लासेस। सो चलते मिलते हैं आप लोग से क्लास के आने के बाद। सो गाइस अभी क्लासेस से आ चुका हूँ एंड अभी बज रहा है 8:30 एंड भाई बाहर मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, मैंने इसके लिए थोड़ा पहना था ताकि थोड़ा मोटा रहेगा। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास अपनी सर्दी की दवा लेने के लिए, क्योंकि मुझे वो दिखाना भी पड़ेगा ना प्रिस्क्रिप्शन कि हाँ मैं बीमार था, तब भी शायद से मेरे को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। वो सुपरवाइज़र को जाएगा, सुपरवाइज़र देखेगी, देन मेरे को रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, वरना मेरे को पेरेंट्स को परेशान होना पड़ेगा। फिर मतलब वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे टीचर कंप्लेन भी थोड़ा बहुत दे देगी। सो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग गाइस। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।